अक्सर वो अपनी चीजें कहीं रखकर भूल जाते हैं। अक्सर वो अपनी चीजें कहीं रखकर भूल जाते हैं, लेकिन मेरे बचपन की उन्हें हर बात याद है। मेरे दादा दादी नाना नानी उनकी याददाश्त में अभी भी कुछ बात है, अभी भी कुछ बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द अ वेरी गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल HMM एंड ऑल द टीचर्स प्रेजेंट हियर। आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड फील वेरी डिलाइटेड टू वेलकम ऑल द ग्रैंडपेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर ऑन दिस ऑस्पिशियस डे व्हिच वी कॉल एज ग्रैंडपेरेंट्स डे। जी हाँ, आप सभी जैसा जानते हैं कि हम सब यहाँ हमारे सम्माननीय वृद्धजनों का आदर सत्कार करने हेतु यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे सम्माननीय वृद्धजन, इनका नाम ही ऐसा है जिनकी उपस्थिति मात्र से हमारा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा स्नेही और प्यार से भर गया है। मैं अपनी इनके आशीर्वाद से ये समारोह आगे बढ़ाने का आप सबसे चाहती हूँ। तो इसी तारतम्य में मैं हमारी मुख्य अध्यापिका श्रीमती गीता शर्मा मैम, शालिनी शर्मा मैम, शीतल मैम और अभिषेक सर से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे चीफ गेस्ट आर प्रिंसिपल सर मिस्टर पी देशमुख सर का स्वागत करें। थैंक यू मैडम। अब समय आ गया है कि हम इस समारोह में हमारे देवी हमारी सरस्वती माता का आशीर्वाद भी ले। अब हमारा समय है सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का। तो मैं हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे मुख्य अध्यापिका मैम, इनको निवेदन करती हूँ कि वो सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। Good morning, my name is Vithika Tiwari. Today I singing a song. Welcome bells are ringing, happiness and joy is to welcome you in KVS today. Welcome bells are ringing, happiness and joy is to welcome you in KVS today. Welcome, la la la, welcome. Welcome, la la la, welcome. Welcome our friends, welcome our guests. With happiness and joy, we welcome you all. Welcome our friends, welcome our guest. With happiness and joy, we welcome you all. Welcome bells are ringing, happiness and joy is to welcome you in KVS today. Welcome, la la la, welcome. Welcome, la la la, welcome. All the stars have come to school. They are showering and blessing on all us. All the stars have come to school. They are showering and blessing on all us. Welcome bells are ringing, happiness and joy
is to welcome you in KVS today. Welcome, la la la, welcome. Welcome, la la la, welcome. Welcome, la la la, welcome. Thank you. हमारी मुख्य अध्यापिका मिसेस गीता शर्मा मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगी। अब मैं हमारी मुख्य अध्यापिका मिसेस गीता शर्मा मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगी। Grandchildren, and most important thing, sweet and lovely, interesting stories at bedtime. It is the grandparent who inculcate so many values through these stories. And what they demand? They demand only love and little bit help from their children and grandchildren. So children, I must say to you today, give me promise that you will love your grandparents like anything, and you will be the star of your family in the eyes that revive their days of grandparents love them, they protect them. When their parents are scolding, it is grand. The purpose of this day will be fulfilled. हमारे दादा दादी नाना नानी परिवार में एक वट वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी शीतल छाया में पूरा परिवार फलता फूलता है। सभी बच्चों से मैं आज कहना चाहूंगी, बच्चों वट वृक्ष को खाद पानी अपने प्यार के रूप में देते रहिए, और बदले में आपको बहुत सारे आशीर्वाद और छाया आपके दादा दादी नाना। अब हमारे सामने फोर्थ ए क्लास से मोक्ष आ रहे हैं, जो आप लोगों के सामने दादा दादी नाना नानी मेरा नाम मोक्ष चंद्र है। मैं कक्षा चौथिया में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय कंडवा है। आज मैं आपको नाना नानी दादा दादी दिवस पर कुछ बताना चाहता हूँ। आदर
आदरणीय प्रचार महोदय, आदरणीय शिक्षक एवं सभी सम्मानित दादागारी नानी नानी एवं मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर बड़ों का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दादागारी नानी नानी हमारे परिवार को वास्तविक रूप से अभिनंदन प्रदान करते हैं। वह हमारे परिवार के सदस्यों को एक साथ रखते हैं। दोस्तों, मुझे हर दिन अपनी दादा दादी नानी नानी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बड़ों का सम्मान करना, मम्मी की मदद करना, यह सभी काम मुझे अपने नाना से सीखने को मिले हैं। रोज पूजा करना, रोज मंदिर जाना, यह सभी काम मुझे अपने दादा से सीखने को मिले हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते। क्या यह सही है? नहीं, यह गलत है। हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वह हमारी बातें मानना चाहिए। Thank you.
दादाजी बना छे और मैं आपके लिए निवाड़ी वाले दादाजी की कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ। मका मारे दादाजी से यह सीख मिली छे, सुबह जल्दी उठीनी, उठी व्यायाम करीनी, बड़ों की बात मानी छे, सबकी काम में मदद करवाई छे। धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो। सुप्रभात, मेरा नाम सत्यम चंद्रा है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ और मैं दादा दादी दिवस के दौरान स्टेशन मास्टर बना हूँ। मेरे दादाजी खंडवा के स्टेशन मास्टर थे, वह मुझे हमेशा सिखाते हैं कि जैसे हरी झंडी दिखाने से गाड़ी चल पड़ती है और लाल झंडी दिखाने से वह रुक जाती है, वैसे ही हरी झंडी मतलब सच सच का साथ और लाल झंडी मतलब झूठ का साथ हमें इसी तरह अपने जीवन में उतारना है। मतलब हमारे जीवन में भी हरी झंडी मतलब सच्चाई का साथ देना है और अगर लाल झंडी झूठ का साथ देना पड़े तो हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं आशुमा कक्षा तीसरी साथी और से आज मैं मेरे दादाजी के बारे में कुछ सिखाती बातें आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी मुझे ये सिखाते हैं कि रोज सुबह जल्दी उठकर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। जब बड़े खड़े रहे और हम बैठे रहे तो हमें खड़े होकर बड़ों को बैठा देना चाहिए। धन्यवाद, मेरे से कोई गलती हुई है तो उसे माफ कर दीजिए। स्पर्शा मावलीकर है, मैं कक्षा 5वीं अब मैं पढ़ती हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दादाजी और मेरी दादी रहती हैं। मैं मेरे दादाजी और दादी की प्यारी बेटी आपके सामने कुछ बोलने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरी दादी मुझे सिखाती है कि कभी झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों का सम्मान करना और बहुत पढ़ाई करके अपने देश का नाम रोशन करना। धन्यवाद। ग्रैंड पेरेंट्स डे पे मैं आप सभी दादा दादियों का, नाना नानियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्माननीय दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, यह बड़े हर्ष का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रतिवर्ष आपके महत्व को प्रमाणित करते हुए यह दिवस आयोजित करता है, जिसमें आपके द्वारा आपके पोता पोती जो कि हमारे विद्यालय के छात्र हैं, उन्हें आप किस तरह से शिक्षा देते हैं, किस तरह से उनकी भावनाओं को संतुलित रूप से विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं और उनके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, इस हेतु हम हर वर्ष आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। आप सभी इसी तरह से इन नन्हे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए, इनको अच्छी तरह से अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए आप हमेशा मदद करते हैं, ऐसे करते रही हैं ताकि इन विद्यार्थियों का, नन्हे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आप सभी को एक बार पुनः इन सारे प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Dilip Meena sir to express his view on this auspicious day which is Grand Parents Day. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हम दादा दादी दिवस मना रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप जिसकी नगरी में रह रहे हो, दादाजी की नगरी में रह रहे हो और दादाजी दिवस भी मना रहे हो। हमारे जो दादाजी होते हैं हमारे परिवार में एक छायादार पेड़ की तरह होते हैं,
जिनकी छाया में पोता पोती पलते हैं, बड़े होते हैं। और हम हमारे दादाजी से जो अच्छे संस्कार भी सीखते हैं, अच्छी बातें भी सीखते हैं। तो हमारे जो आपके दादा दादी होते हैं वो पोता पोती के पहले मित्र होते हैं और दादा दादी का आखिरी मित्र होते हैं पोता पोती। तो दादा दादी को हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी स्थान दिया गया है, उनको एक संसाधन माना गया है ना। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी कक्षा पांचवी में पाठ है जैसे स्वामी की दादी, कक्षा सातवीं में पाठ है दादी माँ, इस तरह से हमारे बहुत सारे पाठ है जो दादा दादी के ऊपर बने हुए। तो आपके दादा दादी ज्ञान के भंडार हैं, उनके पास कभी न खत्म होने वाली कहानियाँ होती है। और आप अपने दादा दादी से वो चीजें सीख सकते हो जो आपको किताबें नहीं सिखा सकती है या फिर आप किताबों से नहीं सीख सकते हो। तो आप अपने दादा दादी का हमेशा सम्मान करें और उनसे अच्छी बातें सीखिए, उनकी अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में और मुख्य अध्यापिका श्रीमती गीता शर्मा के निर्देशन में सभी साथियों के सहयोग से बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया गया। इसमें विद्यालय के शिक्षकों ने, साथियों ने विभिन्न कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कराए, जिन अध्यापकों ने मिलकर के